पॉइंट है जहाँ पे अगर आप गेट देखो, गेट सा बना हुआ है और ये है चिमनी ऊपर का साइड, तो सारा धक्के में आग लगा देता हूँ नीचे से। उत्तर यहाँ पे से थोड़ा सा रास्ता ठीक है और देखने के लिए शाम का टाइम है तो मैं निकल गया था इससे रैंडम। तो आज हम जानने वाले हैं इस चिमनी की हिस्ट्री, क्या होता था पहले के टाइम में, जितने भी ईंटें मतलब अभी भी कुछ ईंटें जो बनती हैं मतलब वो इसी चिमनी के द्वारा बनती थी, और ये शायद काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है जो भी ये ऑपरेशन की जगह थी। आई थिंक यहाँ घास वगैरह उग गए हैं, पहले यहाँ सारा हुआ करता होगा मतलब यहाँ पे सारी ईंटें पका करती होंगी, आई थिंक ऐसा कुछ था। जब मैं छोटा था तब मैं आता था यहाँ पे, लेकिन कभी मैं इतना क्लोज़ नहीं आया था जितना क्लोज अभी मैं हूँ। तो चलते चलते मैंने सोचा चलो आज देखा जाए कि असल में ये चीज़ काम कैसे करती है और अंदर से कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ टाइम में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो मौका मिल गया है देखने का, तो चलते हैं अंदर। ओके, तो बेसिकली एक यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पे अगर आप गेट देखो, गेट सा बना हुआ है और ये लंबी सी चिमनी है, और इसकी जो हाइट होगी कम से कम लगभग 10 से 15 मीटर हाइट होगी जो मेरे हिसाब से लगती है। तो अंदर देखने लायक है कि नहीं जाके देखते हैं एक बार। ओके, तो मैं इस टाइम अंदर आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर है एक रास्ता इधर है। अब ये नहीं मालूम कि ये पकाते कैसे होंगे यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं यहाँ से एंट्री करी है और ये है चिमनी ऊपर का साइड, तो सारा धुआं ऊपर की तरफ निकलता है, तो शायद मेरे हिसाब से क्या करते होंगे ये लोग, ईंट पका पका के यहाँ रखते होंगे, आग लगा देते होंगे नीचे से। ओ तेरी, यहाँ पे सांप ने अपना केंचुली बदली है बेसिकली यहाँ पे, तो मुझे निकलना चाहिए। इधर से थोड़ा सा रास्ता ठीक है, निकल जाते चुपके से। अरे बाप रे, लगी पीठ में। तो फाइनली मैं निकल गया, और ये है चिमनी का दूसरा साइड व्यू। तो यहाँ पे कोई है नहीं जो बताने वाला है कि कैसे काम करनी थी, बट मेरे हिसाब से ऐसे काम करती होगी, ये यहाँ से छेद में से डाल देते होंगे सारी की सारी ईंटें, और उसके बाद से नीचे लगा देते हो आग, और आग से सब पक जाती होंगी ईंटें, और फिर उस हिसाब से वो निकालते होंगे। तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा, जैसे कि हड़प्पा की विरासत थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी सब कुछ घास वाग उग चुके हैं। अराउंड 2 साल बाद मैं देख रहा हूँ इसको, ऑपरेशनल नहीं है तो शायद बंद ही कर दिया गया होगा। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो ये थी मेरी आज की पहली हिस्टोरिकल व्लॉग, ठीक है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव नहीं है बिकॉज़ क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि थोड़ा गाइडेंस की बहुत कमी है, बिकॉज़ जो भी चीज़ है वो मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं और थोड़ा आगे घूमते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है और देखने के लिए शाम का टाइम है तो मैं निकल गया था इससे रैंडम विज़िट के लिए।